दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। सबसे ज्यादा कंजेशन वाली रोड से गुजरने के लिए अब आपको कंजेशन चार्ज देना पड़ेगा। ऐसी कुछ सड़कों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है। ये चार्ज कितना होगा, कौन सी वो सड़कें होंगी, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए क्या कुछ चार्ज होंगे, ये अलग अलग चार्जेस होगा या फिर एक होगा, इस पर अभी चर्चा फिलहाल चल रही है। लंदन और सिंगापुर में ऐसा सिस्टम पहले से ही काम कर रहा है और उसी की तर्ज पर दिल्ली में भी ये सिस्टम लागू किया जाएगा। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है और क्या उन कौन से दिल्ली NCR दोनों इसमें लागू होगा या सिर्फ दिल्ली? नहीं देखिए, ये सिर्फ दिल्ली के लिए एक प्रस्ताव है और इस पर अभी बातचीत चल रही है। एक एक्सपर्ट पैनल का गठन हुआ है जो इस बात की स्टडी कर रही है कि दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके होंगे, वो कौन कौन से रोड्स होंगे जहां पे सबसे ज़्यादा जाम की सिचुएशन होती है, भीड़ होती है, और वहां पे इस फॉर्मूले इस तरीके को लागू किया जाए। माना ये जा रहा है कम से कम 20 से 30 ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम की सिचुएशंस हैं अभी, और उन रोड्स पे इस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है उसको किस तरीके से बढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों से भी इस बारे में जानकारी ली जाएगी। जैसा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि चार्जेस कितने होंगे, टू व्हीलर के लिए क्या चार्ज, फोर व्हीलर के लिए क्या चार्ज होंगे, कमर्शियल और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको किस तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा, उसका अलग अलग मैकेनिज्म बनेगा। लेकिन फिलहाल इस पर एक्सपर्ट पैनल जो है दुनिया के बाकी देशों के जो फॉर्म जो मॉडल हैं उसकी स्टडी कर रही है, उसके बाद एक कॉन्क्रीट फॉर्मूले पे पहुंचा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो कंजेशन का प्रॉब्लम है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और उसको देखते हुए सरकार हरकत में है और कोशिश कर रही है कि वर्ल्ड क्लास जो मॉडल हैं उसको दिल्ली में अडॉप्ट किया जाए ताकि जो दिल्ली के लोग हैं उनको जाम से निजात दिलाई जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए।